नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑल सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड, जो कि आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड, तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा फ्रेंड, जो कि अगर आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग को कस्टमाइज आप कर सकते हैं। किस तरह आपको कितने दिन के लिए अपने कॉल रिकॉर्डिंग को रख सकते हैं उसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं। किस आप पर्सनल किसी नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बिल्कुल ही छोटा है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, आप कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इन्फिनिक्स फ़ोन में बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे, उसको किस तरह कस्टमाइज आप कर सकते हैं उस सेटिंग को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते और कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने फोन डायलर में आ जाते हैं। फोन डायलर में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें थ्री डॉट है, थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहां पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप आ जाएं। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें कॉल रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें। कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप ध्यान दें, मान के चले आपने जितने भी कॉल रिकॉर्ड किया है उसको पूरा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। ऑल कॉल रिकॉर्डर है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं किया हूँ, यहाँ पे देखिए सारा कॉल रिकॉर्डर है यहाँ पे मिलेगा आपको। इसको कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं जो इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको सुनना चाहते हैं तो उसको बता दूंगा मैं, उसको भी आप सुन सकते हैं यहाँ पे देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स मान के चले इसको कॉल रिकॉर्डिंग है, जैसे आप किसी को कॉल रिकॉर्डिंग किए, देखिए मान के चले मैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको पे कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही मैं फ़ोन लगाया और उसके बाद देखिए मेरा फ़ोन लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग जैसे ही ये उठाएगा फ्रेंड, तो इसको बाद देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनना है, तो यहाँ पे देखिए इस नंबर पर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग है, तो देखिए यहाँ पे फ़ोन रिकॉर्डिंग है जो इसको इसको पे आप क्लिक प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा सभी का कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। जिस जिस नंबर पे आप करेंगे वहाँ पे आपको शो कर जाएगा, यहाँ पे माइक का आइकॉन आ जाएगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, या फिर इसको आप डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए मैं थ्री डॉट पे आता हूँ, सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल रिकॉर्डर पे आता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चार को किया हो, यानी कि आप मान के चलिए 5, 6, 7, 10 से ज़्यादा तक के आपने कॉल रिकॉर्डिंग किया उसको आप कितना दिन में डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे डिलीट रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेवर किया हुआ है। उसके बाद 7 दिन में आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट करवाना चाहते हैं तो 7 दिन में हो जाएगा, या 14 दिन में करना चाहते हैं तो 14 दिन में, या 30 दिन में करना चाहते हैं तो 30 दिन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इसको 30 दिन का मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म कर लें। कन्फर्म करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं 30 दिन तक का मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरे फ़ोन में 30 दिन तक के रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मानकर चलिए आपको कोई भी नंबर पे सिलेक्ट करना है, जो कि नंबर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ नंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज अकाउंट कॉन्टैक्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर को कॉल रिकॉर्डिंग में लगाना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लगा लिया हूँ। तो इस तरह बहुत ही आसानी से कोई भी पर्सनली नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग लगाना चाहेंगे तो पर्सनली नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। आप उस व्यक्ति को जब भी कॉल करेंगे या वो कॉल करेगा तब उसका कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा फ्रेंड। तो लेकिन मैं इसका करना नहीं चाहता हूं तो यहां पे मैं इसको कट कर देता हूं। यहां कट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे मैं सीधा बैक आता हूं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे इस तरह अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर में बहुत ही आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग को कस्टमाइज आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको मान के चलिए कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट करना, तो देखिए मैं यहां पे डिलीट भी इसको मैं कर देता हूं। सारा मेरा कॉल रिकॉर्डिंग जो कि आप चाहते हैं 30 दिन के पहले ही डिलीट करना चाहते हैं तो 30 दिन के पहले भी डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑल सेटिंग कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड दोस्तों के साथ से इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड या फैमिली नंबर में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इस सेटिंग के जरिए बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।